वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब हो गया होगा 7-8-9-10 महीने के आसपास। और ये देखो ये तब से बाइक कैसे खड़ी हुई है, तो मतलब गैस कर सकते हो कि कितने महीने हो चुके हैं कमरे के अंदर, जब इतनी सारी मिट्टी इस पर जम चुकी है तो क्या ही हाल हुआ होगा हमारी इसका डूडू का। ये देखो पूरा मिट्टी 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 मिट्टी। तो आज इसको बाहर निकालते हैं, सबसे पहले इसमें हवा भरते हैं, उसके बाद बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है वो भी करवाएंगे हम लोग। और जैसे कि जस्ट लाइक टायर हमारे ख़त्म हो चुके हैं बाइक के, और बाइक की सर्विस पेंडिंग है नवंबर से, अभी आ चुका है मई और ये भी बिल्कुल ख़त्म ही है एंड मई का। चलो फटाफट बाहर निकालते हैं, सबसे पहले बाइक में थोड़ी बहुत हवा भरते हैं और बहुत टाइम से खड़ी है, स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती भी है या नहीं। You're never here. 10 महीने के आसपास हो गया है हमें ना बाइक को स्टार्ट करो, देखते हैं कि ये फर्स्ट स्लिप में स्टार्ट होती नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ना तो इसमें कोई लाइट आ रही है अभी, तो उसका मेरे को फंडा नहीं पता कि बैटरी होगी या नहीं होगी, तो ये देखते हैं अभी। बैटरी तो है, रुको चुप रहो चुप रहो, देखते हैं फर्स्ट चोटी करके आ गई है कल कर। टाइम से ना बैग भी ऐसे रखा हुआ था, तो पता नहीं इसमें कहां कहां से इतना ज़्यादा मिट्टी घुस गई है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से अभी साफ़ कर लिया है। रही बात अभी हेलमेट की, अभी हेलमेट पे भी देखो घर के अंदर भी इतनी मिट्टी कहां से आती है समझ नहीं आता। चलो फटाफट नहाने चलते हैं, बैग साफ़ हो गया है, हेलमेट अंदर है तो साफ ही होगा, बाहर निकालते हैं फिर चलते हैं, फटाफट नहाता हूँ अभी। ओए क्या साउंड है यार बाइक की, मुझे बहुत टाइम हो गया सुने हुए, हालांकि बाइक की साउंड है ना थोड़ी दबी हुई है। ये होता है कि मैं अपने गांव में ना अपनी बाइक को इधर उधर कहीं निकालते नहीं हूँ, क्योंकि पानी इतना सारा होता है इधर उधर नालियों का, तो देख लो भाई टेनर कहाँ कहाँ जाती है हमारे यहाँ पे। नीचे भी लग गई, आज मेरे को याद ही नहीं रहा आज मैं इस साइड से आ गया, वरना मैं हमेशा बार बार जाता था। कुत्ता देखने में खतरनाक लग रहा था। 3 पेट्रोल पंप पे घूमने के बाद है ना यहाँ पे मिला है X95। भाई फ्यूल हो गया है और फ्यूल का इसमें कोई गेज नहीं होता, तो इसलिए हमें भाई फ्यूल हमेशा रिसेट करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी बाइक ने कितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करा है, तो इसलिए हमें रिसेट करके ऐसे पता लगाना पड़ता है। अभी तक का मैक्सिमम हिट गया है, अभी तक 105 डिग्री, 106 हो गया लो भाई, 110 से ऊपर जाने के बाद मेरे ख्याल से हीटिंग दिखाने लग जाएगी कि भाई इसको बंद कर दे वरना इंजन फट जाएगा। 107, ओ भाई 109, क्या चल क्या रहा है ये भाई साहब। 115 डिग्री हीटिंग का एरर आ गया है बाइक में, ये देखो साइन जल चुका है, वो कह रहा है बाइक को रोक दो, तो मे भी बाइक चलेगी तो ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी हवा लग के। 115 डिग्री हो गया भाई, फटने का भी तो खतरा रहता है ना, मेरे को तो डर लगने लगा था कि भाई साला फट ना जाए कभी। एक सौ पंद्रह डिग्री ओ भाई साहब, मैं पता नहीं सकता मतलब बाइक कितना ज्यादा हिट मार रही है, किस पोजीशन पे बैठा हूँ बाइक पे। घटा घटा 114 गया, सिग्नल गया,
अब भाई आग सी बरस रही है बाइक में से, बाहर है ना आग निकल रही है 113 डिग्री। तो भाई हम आ चुके हैं सर्विसिंग के लिए अपनी बाइक को लेके, और बाइक में बहुत ही ज्यादा गंदा ऑयल है। तो ये देखिए बाइक में इतना गंदा तेल निकला है फ्यूल, तो स्पीति के बाद से ना हमारी बाइक की कोई सर्विस ही नहीं हुई है। वो भी थोड़ा सा डीप अच्छे से सर्विस कराते हैं जिससे इसकी आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो भाई है ना बाइक में काफ़ी ज़्यादा कचरा निकला है, और है ना ये देखो अभी है ना बिल्कुल क्लीन हो गए हैं सारे। तो ये थ्रोटल बॉडी है जो कि हमें पूरी ये टैंक वैंक निकाल के पूरा क्लीन करना पड़ता है इसको। तो बेसिकली अब बाइक की आवाज़ है ना अच्छी हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, दो सर्विस तक तो सबकी है ना मतलब कि इक्वल सी रहती है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो आती है ना निकल के वो थर्ड सर्विस पे निकल के आता है। तो देखते हैं हमारा क्या बिल बनता है। और सबसे बड़ा बिल तो यही है, ये टायर में देख लो कितना गंजा हो गया है, मतलब घर जाने की हालत में नहीं है वापसी। और बाइक का आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा हीट मार रही थी, 118 या 17 के आसपास चली गई थी। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो बिल देखते हैं कितना बनता है। भाई बिल कितना बन जाएगा अप्रोक्स इसके? बारह चौदह के आसपास है, इतना हो जाता है। थर्ड सर्विस पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा अगर ब्रेक पैड डलते हैं तो, ब्रेक पैड तो डले हुए हैं मेरे ऑलरेडी, तो ब्रेक पैड तो अभी बचे हैं हमारे मेरे ख्याल से सात आठ तो नहीं मतलब कि 4-5 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएंगे। ये वाली वायर है ना, You'll never arrive to see me thrive when it's my birthday. My day off. You gotta look guilty. You can't show up. No one life gives me a shithead. तो भाई हमारी हो चुकी है बाइक की सर्विस, और इसमें मोटा मोटा बिल देखो, ये आया है, ये बिल देख रहे हो, ये ऊपर का मैंने फोल्ड कर दिया क्योंकि एड्रेस वगैरह है, सोशल मीडिया पर जाना ठीक नहीं है। अब एक ये हो गया और पीछे ये हो गया 6,000 समथिंग, ठीक है। तो टोटल बिल आया हमारा 15,157 रुपये। तो ये जो बिल था इसमें ब्रेक पैड बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। ब्रेक पैड के लिए मतलब कि आप लगा के चलो 15,000 रुपये जो है उसमें प्लस 20,000 रुपये फ्रंट जो हमारे ब्रेक पैड होते हैं वो, और 4,000 के आसपास जो बैक साइड के ब्रेक पैड होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड कर लो। तो टोटल इतना अराउंड हमारा बाइक की एक सर्विस कॉस्ट पड़ती है 3 सर्विस के आसपास। तो भाई बढ़िया वाला फटका लग गया। चलो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, गेट पास देते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं कावासाकी। भाई यहाँ पे हर चीज़ों के शोरूम है, मतलब कि बड़ी बड़ी बाइकों के शोरूम, BMW, कावासाकी, ट्रायम्फ। टायर जो मेरे थे वो थोड़े से यूज हैं क्योंकि जो मैं लास्ट स्पीति करके आया था तब मैंने डलवाए थे, तो उसको मैंने निकलवा दिया था। जो मेरा बाइक के साथ टायर आया था वही मैंने वापसी डलवा दिया ताकि मैं दिल्ली में इधर उधर छोटा मोटा संडे राइड कर सकूँ। बाइक भी है ना अच्छी साउंड कर रही है, सर्विस होने के बाद है ना मतलब कि हर चीज में ना एक वो आ जाता है, मतलब कि जी आ जाता है जी। 15,500 रुपए तो सर्विस चलेगी, अगर ब्रेक पैड और ये सब कुछ मेरे को एक साथ डालना पड़ जाता तो सोच के देखो 40,000 के आसपास बाइक का वो जाता मेरा। भाई कंपनी में आप कोई भी चीज़ करा रहे हो ना बाइक की तो आपको महंगी पड़ेंगी यही सब चीज़ें ना, बाहर आपको हाफ रेट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर करके चला करो। मैं जो चीज़ें बताता हूँ मैं हमेशा कंपनी में कराता हूँ क्योंकि मेरी बाइक की वारंटी वॉइड ना हो उस चक्कर में, क्योंकि जब ऐसी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाई समझो लंका लग जाएगी। जो आप बाहर ये सारी चीज़ें करा रहे हो ना और आपके इंजन में किसी भी चीज़ में कुछ होगी तो भाई दिया नहीं जाएगा पैसा, इतना मोटा खर्चा आ जाएगा।
फाइनली 6:15 पे हम कुंडली पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी 10-12 किलोमीटर मेरा घर रह गया है, तो वो भी पहुंच ही जाएंगे। मतलब दिल्ली का जो ट्रैफिक था पूरा लांग लिया हमने। और भाई बाइक है ना बहुत ज़्यादा हिट मारती है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत दिन हो गए, क्रूज कंट्रोल भी लगा के देख ही लेते हैं। लग जा भाई। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको लगी हो अच्छी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट आया करेंगे। और भाई अब देखते हैं कहीं ना कहीं का प्लान बनाते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, सोलो ट्रिप करेंगे, क्या करेंगे टेनआर के साथ, वो भी सब बताएंगे आपको। लेकिन छोटी मोटी कोई ट्रिप कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी कोई ट्रिप नहीं करेंगे। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थर्ड सर्विस के बारे में बता दिया है, बाइक में कितना खर्चा आया है। तो आप भी सबसे पहले बाइक कोई भी ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, उससे पहले ना थर्ड सर्विस के बारे में पता कर लो कि भाई किस कॉस्ट में पड़ती है। तब तक के लिए बाय, खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल हो ना हो। बाय, टेक केयर।